Good morning, students. I am Amit Josia. Welcome to St. Michael's Academy Vidya's e-learning class of Hindi, class 4. आज हम लोग class 4 के यानी class 4 के हिंदी के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. सबसे पहले हम इस चैप्टर इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं और जो कि इस अध्याय का नाम मिट्टू है. मिट्टू के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं. ठीक है, तो पहले हम इस अध्याय के लेखक के बारे में कुछ जानेंगे. इनकी जन्म कहाँ हुई, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ठीक है, आदि को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं लेखक मिट्टू अध्याय मिट्टू जो कहानी है उसके लेखक पर आते हैं, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप लम्ही का नामक गांव में हुआ था. मैंने यहाँ लिखा हुआ है जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ. ठीक है, वे हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते थे. उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं गोदान, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमा, श्रम आदि हैं. क्योंकि मैंने यहाँ लिखी है उनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गब्बन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और रंगभूमि है. इनकी कुछ प्रमुख कहानियां भी हैं जो कि बच्चों को बहुत ही भाती हैं, जैसे कि परीक्षा, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, मंत्र और पागल हाथी. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेखक के बारे में जाना जिन्होंने इस मिट्टू कविता को बहुत अच्छी तरह से लिखा है. ठीक, अब हम आते हैं इसके प्रमुख पात्र पे. जो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं वो है मिट्टू, गोपाल, सर्कस कंपनी का मालिक और माँ. ठीक है, मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मिट्टू जो कि एक बंदर है. ठीक है, अब हम इस कहानी के आगे चलते हैं. इस कहानी की प्रमुख भूमिका मतलब इस पाठ की प्रमुख भूमिका को थोड़ा आप जानते हैं. इस पाठ की प्रमुख भूमिका में लेखक हमसे क्या कह रहे हैं. प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि जानवर बहुत वफादार होते हैं. हम सब लोगों ने देखा है कि जानवर बहुत वफादार होते हैं. बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, घर में पालतू जानवर रखे हैं, जैसे कि कुत्ता हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, ठीक है, आदि आदि जानवर सब घर में पालते हैं ताकि, और वे सब क्या होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं. वो अपने मालिक का सारा बात मानते हैं. जरूरत पड़ने पर वे अपनी जान पर खेल कर भी अपनी मालिक की जान बचा लेते हैं. ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा है. अगर हम पालतू पशुओं से प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो बदले में वे हमारे काम आ सकते हैं. जैसे कि जो लोग टांगा चलाते हैं वो अपने घोड़े और घोड़ी का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं ताकि वो उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है. ठीक है, अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं विस्तारित रूप से और इसमें जानने की इच्छा प्रकट करते हैं इसमें इस कहानी में क्या क्या हो रहा है. बच्चों, बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें तुमने देखी होंगी. हम सबों ने देखा है कि बंदर बहुत ज्यादा शरारती है. ठीक है, और वो बहुत शरारत करता है जब लोगों को देखता है, जब लोग उसे तंग करते तो और भी वो क्या हो जाता है, शरारती हो जाता है. तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए देखा होगा, सबने देखा है ना. पर आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है. अगर किसी भी जानवर से हम दोस्ती करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, बहुत दिन पहले की बात है, शहर में एक सर्कस कंपनी आई. ठीक है, उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के जानवर भी थे. बहुत दिन पहले क्या होती, गांव में
एक सर्कस कंपनी आई थी, उसके पास कौन कौन से जानवर थे, शेर, भालू, चीता और कई तरह के जानवर थे। इनके साथ ही एक बंदर था जिसका नाम क्या था, मिट्टू। मैंने अभी बताया मिट्टू जो है एक बंदर है। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे, यानी जब कोई अच्छा जानवर या फिर जो नटखट होता है वो जानवर, क्योंकि बाकी सबको ये क्या थे, जो भी थे ये पिंजरे में बंद होने वाले थे, लेकिन बंदर क्या होता है अधिकतर हम लोग खुले में रहता है ना, तो बच्चे क्या करते थे उसे देखने के लिए आते थे, मिट्टू को भी देखने आते थे और साथ साथ बाकी जानवरों को भी देखने आते थे। मिट्टू ही उन्हें सबसे प्यारा लगता था। उन्हीं बच्चों में एक था गोपाल, यानी बच्चों का जो झुंड आता था उसमें एक बच्चा गोपाल भी था जो बाकी सारे जानवरों को देखने आता था, लेकिन उसको क्या हुआ मिट्टू ज्यादा पसंद आया। वह रोज आता और मिट्टू के पास बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता, उसे शेर भालू चीता आदि से कोई प्रेम न था। उसे किसे किसे प्रेम नहीं था, शेर भालू चीता यानी सर्कस में आए सारे जानवरों से कोई प्रेम नहीं था, ठीक है, उसे बस प्रेम था किससे, मिट्टू से, ठीक। मिट्टू भी गोपाल से इतना दिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ ना करता। मिट्टू क्या था, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे से के परस्पर क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो ठीक उसी तरह मिट्टू भी क्या हुआ था, गोपाल का एक अच्छा मित्र बन गया था। इस प्रकार दोनों में क्या हुई, घनिष्ठ मित्रता हो गई या घनिष्ठ दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है, यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। जब हम लोग कोई दोस्त से किसी से दोस्ती हो जाता है और अब हम लोगों को यह पता चलता है कि वह या शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा रहा है, हम लोगों को क्या होता है, कुछ दुख महसूस होता है ना, ठीक उसी तरह क्या हुआ गोपाल को भी मिट्टू के जाने का दुख हुआ। माँ ने उसकी उदासी के बारे में पूछा तो वह रोता हुआ बोला, अम्मा मुझे पैसे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा। किसने कहा, गोपाल ने कहा, किससे कहा, माँ से कहा। माँ से क्या कहा उसने, अम्मा मुझे पैसे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा, वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा, वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। यानी गोपाल अपने मन में क्या रखा है कि अगर वो मुझे नहीं देखता तो वो भी रोएगा जैसे कि मैं रो रहा हूं, ठीक है। माँ ने समझाया, देखिए अब माँ ने क्या समझाया मुझे पढ़ेंगे, माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को भी प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहां आकर सबको काटेगा, बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। माँ ने किससे कहा, अपने बेटे यानी इसे गोपाल से कहा, ठीक है, गोपाल से कहा कि बेटा बंदर किसी को भी प्यार नहीं करते, ठीक है, वह बड़ा शैतानी होता है, वह यहां आकर सबको काटेगा और बिगाड़ में लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर मां के समझाने का कोई प्रभाव ना पड़ा, प्रभाव का मतलब क्या हुआ यहां पे, असर। तो गोपाल पर मां के समझाने का कोई भी असर ना पड़ा, ठीक। वह फूट फूट कर रोने लगा, हार कर मां ने पैसे निकाल कर उसे दे दिए, जैसे पैसे को पाकर वो खुशी के मारे फूल ना उठा। ये फूल ना उठा क्या है, भावरा है, फूल ना उठने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना या उत्साहित हो जाना, ठीक है। तो उसको आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे, जो भी प्रमुख चीजें हैं जैसे कि ये शब्दार्थ है उनको आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे एक मुहावरा आया उसको मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार आप लोग उसको अपने कॉपी में उतारें, ठीक है। वह मिट्टू को खरीदने चला लेकिन मिट्टू वहां दिखाई नहीं दिया। अब क्या हुआ, गोपाल जो था वो कहां गया, वो गया सर्कस कंपनी जहां लगा हुआ था वहां गया, लेकिन वो गया तो वो वहां पे क्या हुआ, मिट्टू गोपाल को मिट्टू दिखाई ना पड़ा, ठीक। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें पैसे दिखाकर बोला, गोपाल जो था किससे बोल गया, अब यहां है सर्कस कंपनी का मालिक, सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें क्या हुआ, पैसे दिखाकर बोला, क्या बोला आगे पढ़ेंगे अभी, क्यों आप, क्यों अब आप मिट्टू को मेरे साथ भेजेंगे ना, यानी
इसके कहने का मतलब तात्पर्य यह था कि गोपाल जो है ठीक है वो कंपनी सर्कस कंपनी के मालिक को पैसे दिखाकर ये पूछ रहा है कि अगर मैं पैसे आपको देता हूँ तो क्या आप मुझे इस मिट्टू को ठीक है मेरे पास भेजेंगे। देखिए अब क्या है, अब मालिक क्या बोलता है उसके गोपाल से, अब हम ये जानेंगे। मालिक रोज उसे मिट्टू के संग खेलते हुए और खिलाते हुए देखता था। वो हंसकर बोला, अगली बार आऊंगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा। यानी मालिक जो था वो भी देखता था कि ये दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई है ठीक है, और दोनों एक दूसरे से क्या है बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गई है, दोस्ती हो गई, अच्छे खाली दोस्ती हो गई, कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह पाया। तो उसके कंपनी के मालिक ने क्या कहा, ये कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा शहर में या इस गांव में तो मिट्टू को तुम्हारे हवाले सौंप दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। क्या हुआ जब मिट्टू उसको गोपाल को दिखा नहीं तो क्या हुआ, गोपाल उसको उसी सर्कस कंपनी में ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, क्या हुआ वो उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस हालत में है ठीक है। उसे बिल्कुल पता ना चला कि वह चीते के पिंजरे के समीप जा पहुंचा। यहाँ समीप का मतलब मैंने बताया है पास ठीक है। तो गोपाल को थोड़ा भी पता ना चला कि वह चीते के पास पहुंच गया ठीक है। चीता अंदर चुपचाप लेटा था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। क्या हुआ, चीता को तो उसका शिकार मिल गया, तो वो क्या किया चुपचाप, जब चीता लेटा हुआ था जब गोपाल गया तो चीता चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से वो क्या हुआ गोपाल को पकड़ने की चेष्टा मतलब कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। गोपाल कहता वो किसी और तरफ उसका ध्यान किस तरफ था, मिट्टू को खोजने की तरफ ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चीता जो है वो उस पर हमला करने जा रहा है या फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चीता उसे पकड़ कर खींचने ही वाला था कि मिट्टू ना जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। मिट्टू क्या था, गोपाल जिस मिट्टू को खोज रहा था वो क्या हुआ, देखा कि चीता जो है गोपाल पर आक्रमण कर रहा है ठीक है, प्रहार कर रहा है, प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ, मिट्टू आया और चीते के पंजे पर दांतों से काटने लगा। इससे गोपाल को चीते की पकड़ से छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से क्या हुआ चीखने लगा। मतलब चीते का जो वार था वो अब गोपाल को छोड़कर इस पे हो गया, मिट्टू पर हो गया ठीक है। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे, मतलब जब मिट्टू बेहोश हो गया तो क्या हुआ उसके बाद गोपाल भी उसे देखकर रोने लगा। इन दोनों की आवाज सुनकर सर्कस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो क्या हो गए, भागे भागे। कर्मचारी का मतलब क्या होता है, काम करने वाले ठीक। उन्होंने देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया और उस पर दवा लगाई गई। जब चीता मिट्टू पर वार के दोष क्या हुआ है घाव हो गया, उसको क्या क्या दवा लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्टू की बेहोशी दूर हो गई, वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कहा कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। मतलब मिट्टू यह मन ही मन सोच रहा है कि गोपाल के बारे में कि अब क्यों रो रहे हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्टू की मरहमपट्टी होती रही, वह बिल्कुल चंगा हो गया। चंगा का मतलब क्या हुआ, ठीक और स्वस्थ हो जाना ठीक। गोपाल अब रोज आता, उसे रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का सफर से चलने का दिन आ गया। मतलब ये सब गतिविधियां होने के बाद सर्कस कंपनी का एक शहर से दूसरे कंपनी में दूसरे शहर में जाने का दिन आ गया। गोपाल बहुत दुखी था। वह दुखी क्यों था, क्योंकि उस वो अपने अच्छे दोस्त को खो रहा था। वह मिट्टू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा
अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? किसने पूछा? सर्कस कंपनी के मालिक ने पूछा। किससे पूछा? तो गोपाल से पूछा। क्या पूछा? तो ये पूछा कि अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने सर्कस कंपनी के मालिक के सवाल का उत्तर दिया और उत्तर में ये कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। और क्या मतलब, वो बोल रहा है कि मैं इसको अपना घर के परिवार के जैसे रखूंगा, उसको अपने साथ खिलाऊंगा, उसको साथ ले जाऊंगा, थाली में खिलाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्टू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। मालिक क्या हुआ? मालिक बोला कि अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्टू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। ऐसा उसने क्यों सोचा? ऐसा उसने इसलिए सोचा क्योंकि मिट्टू जो था गोपाल की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था जब उसको चोट लगी थी तो, ठीक है। और उन दोनों के बीच क्या होगी, मित्रता बहुत ही घनिष्ठ पूर्वक हो चुकी थी। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया, जब हम लोग की मन की मुरादें पूरी हो जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा। उसने क्या हुआ, खुशी के मारे क्या किया, मिट्टू को गोद में उठा लिया लेकिन मिट्टू जो था नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते अपने घर पहुंच गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है मिट्टू, जो कि जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो इस कहानी को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे सुचारू रूप से इन्होंने बताया है। और अब हम लोग इस कहानी के सारे पात्र को समझ लिए हैं और बाकी के लिए धन्यवाद।